मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामईन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की एक नई वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं इमरान खान के दौरे अमेरिका पर। नाज़रीन, जब से इमरान खान इक़्तदार में आए हैं, ये इनका पहला किसी वेस्टर्न कंट्री का दौरा है, यानी कि फ्रांस, अमरीका, ये पहला वेस्टर्न कंट्री का दौरा है। पहले तो इमरान खान की तहत तरजीहात में सिर्फ सऊदी अरब, चाइना, तुर्की, ईरान, कतर, यानी कि बरादर इस्लामी मुल्क ज़्यादा थे, और इसके अलावा चाइना का भी विजिट किया गया ताकि वहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ सकें और मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर हो सके। पास ये साबित हुआ कि सऊदी अरब कतर के साथ सिर्फ मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं, सियासतदानों के नहीं, जबकि गुज़िश्ता दौरों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरफ से कतरियों को, सऊदियों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक कि इनसे जूठे खतूत भी बनवाए गए कतरियों से। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामईन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की एक नई वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं इमरान खान के दौरे अमेरिका पर। नाज़रीन, जब से इमरान खान इक़्तदार में आए हैं, ये इनका पहला किसी वेस्टर्न कंट्री का दौरा है, यानी कि फ्रांस, अमरीका, ये पहला वेस्टर्न कंट्री का दौरा है। पहले तो इमरान खान की तहत तरजीहात में सिर्फ सऊदी अरब, चाइना, तुर्की, ईरान, कतर, यानी कि बरादर इस्लामी मुल्क ज़्यादा थे, और इसके अलावा चाइना का भी विजिट किया गया ताकि वहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ सकें और मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर हो सके। पास ये साबित हुआ कि सऊदी अरब कतर के साथ सिर्फ मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं, सियासतदानों के नहीं, जबकि गुज़िश्ता दौरों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरफ से कतरियों को, सऊदियों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक कि इनसे जूठे खतूत भी बनवाए गए कतरियों से। नाज़रीन, इसके बाद पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ जब खुद अमेरिका के दौरे पर गए तो वहाँ इनके उनके कुछ ऑफिशियल से इख्तलाफात पैदा हो गए, और जब वो पाकिस्तान वापस आए तो फिर तो आप जानते ही हैं क्या हुआ। जस्टिस इफ्तिहार चौधरी, उन्होंने वकला तहरीक शुरू कर दी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, जिसके बाइस उन्हें घर जाना ही पड़ा। नाज़रीन, इसके बाद हम चले जाते हैं जबकि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, उन्होंने 2008 में वाशिंगटन का दौरा किया, और दौरे के अलावा फिर CIA के कुछ ऑफिशियल्स से मुलाकातें की जो कि खुफिया रखी गई। तो इस मुलाकात में परवेज मुशर्रफ की रिमूवल का फैसला हुआ था। जैसे ही वहां से इजाज़त आई तो फिर परवेज मुशर्रफ को घर जाना ही पड़ा, इक्तदार को छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि अमेरिका के हाथ में ही सारी दौड़ें चल रही थी। नाज़रीन, अब हम आपको हाल में ले आते हैं। जब सितंबर में UN की जनरल असम्बली का इजलास था तो इमरान खान ने कहा कि मेरा जाना ज़रूरी नहीं, वज़ीर ख़ारजा को अपनी जगह भेज दिया गया और असम्बली का इजलास उन्होंने अटेंड किया। जब किसी सहाफ़ी ने पूछा कि आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ आपकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि अगर ट्रंप ने कोई गलत हरकत कर दी, हालांकि उस वक्त कोई मौकिफ खास नहीं था जाने का, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा और वहाँ काम खराब हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि मैं इस नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि ऐसे ही एक दौरे पर हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी गए थे और उनके साथ मरियम नवाज ने भी सफ़र किया था। तो जब वहाँ इमरान नवाज शरीफ की उन ऑफिशियल से मुलाकात हो रही थी तो साथ ही में मरियम नवाज भी साबिक अमरीकी सदर बारक ओबामा की बीवी मिशेल ओबामा से बातें कर रही थी, और उन्होंने उन्हें बताया कि मैं अपनी खिदमात फराहम कर रही हूं और पार्टी की अगली उम्मीदवार मैं ही हूं, और ये भी कहा कि मैं पाकिस्तान में बहुत फलाह बहबूद के काम कर रही हूं। और इसी पर मिशेल ओबामा से तकरीबन 40 मिलियन डॉलर ले लिया गया, जो हमें अब तक नहीं पता चला कि वो कहां खर्च हुआ, ये ग्रांट कहां गई, कोई समझ नहीं आई। और जब नवाज शरीफ, एक और मुलाकात तब हुई जब नवाज शरीफ कारगिल की जंग के बाद अमेरिका गए तो वहाँ इख्तलाफात पैदा हो गए, मसाइल हल ना हो सके, और फिर परवेज मुशर्रफ ने मार्शल ला लगा दिया और नवाज शरीफ को ही घर जाना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि ये विजिट भी आसान नहीं, वहाँ से ये पैगाम भी आ सकता है कि आए हमारे साथ काम करें और पाकिस्तानी फौज यानी पिंडी को छोड़ दें, इस गेम के असल खिलाड़ी तो हम ही हैं। अब ये इमरान खान का कड़ा इम्तिहान है कि वो किस साइड पे रहते हैं, क्या वो अपनी फौज के खिलाफ बातें करेंगे या फौज के साथ तमाम इदारों को साथ लेकर विजिट पर जाएंगे।
اصل معاملات یہ ہیں کہ افغانستان، ایران، سی پیک، چائنا اور کشمیر پر امریکہ تعاون مانگ سکتا ہے، لیکن پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان کو اپنا موقف پیش کرنا ہوگا، افغانستان میں راہ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بتانا ہوگا، اور یہ موقف صاف بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایران کی جنگ میں پاکستان کوئی کردار ادا نہیں کرے گا، نہ پاکستان آپ کو اڈے فراہم کرے گا، نہ پاکستان آپ کی کوئی اور مدد کرے گا، کیونکہ ایران ہمارے ایران کے ساتھ بھی ایسے تعلقات ہیں جیسے آپ کے ساتھ تعلقات ہیں، اور امریکہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سی پیک کو سلو کیا جائے، کیونکہ امریکہ کی چائنا کے ساتھ بھی کشیدگی چل رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کڑوت بیٹھے گا۔ اسی کے ساتھ اب اس ویڈیو کا اختتام چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اس کا فالو اپ لازمی دیکھتے رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔